झारखंड में 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बुधवार को दिन भर हलचल देखने को मिली। एक तरफ छात्रों के समूह ने परीक्षा में गड़बड़ की शिकायत को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। जेएसएससी के चेयरमैन ने पहली बार इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। जेएसएससी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि 21 और 22 सितंबर को ली गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की आंसर की कल जारी कर दी जाएगी। वहीं 10 दिन के अंदर जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। बता दें कि परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस पर आयोग ने कहा है कि परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली या पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। अगर कोई छात्र प्रमाण के साथ सामने आते हैं तो इसकी जांच करवाई जाएगी। तो हमें प्रमाण दिया जाए, हम लोग जांच करने के लिए तैयार। हमारे पास कोई प्रमाण लेकर के आएगा, निश्चित रूप से आयोग इसकी जांच करेगा। बापू वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वहाँ पे सबूत उन लोगों ने रखे, उन छात्रों ने रखे। नहीं तो आयोग के समक्ष लाए ना, हम तो स्वागत करते। संख्या पर तो हम आपको प्रमाण दीजिएगा तो हम जांच करेंगे, लेकिन रैंडमली रिपीट होने की संभावना रहती है। दरअसल छात्र आरोप लगा रहे हैं कि रीजनिंग और गणित के पेपर्स में कई सवाल पूर्व में रद्द हो चुकी परीक्षाओं के पेपर से हूबहू दोहराए गए हैं। अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह इसे साजिश बता रहा है। रांची और हजारीबाग समेत कई शहरों में इसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। वहीं बीजेपी ने प्रश्नों के दोहराए जाने को कदाचार का मामला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। विरोध कर रहे परीक्षार्थियों का दावा है कि रीजनिंग पेपर के 20 प्रश्नों में से 16 प्रश्न हूबहू वही हैं जो 7 जून 2019 को आयोजित टीयर 1 परीक्षा में पूछे गए थे। इसी तरह गणित के पेपर में भी 20 में से 16 प्रश्न वही हैं जो 8 अगस्त 2022 को टीयर 2 परीक्षा में पूछे गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरीके से प्रश्न पत्र पहले से आउट थे। संदेह है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि चहेते छात्रों को इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से रटवाए जा सकें। तो चोरी करवाने का एसओपी में थोड़ा सा चेंजेस था इस बार। सेंटर्स पे लोगों को फोन करके और रात में भी फोन करके बताया गया है, और उसका एक हमारा वीडियो एविडेंस भी है, हमारा वीडियो एविडेंस उसमें है और बाकायदा वो प्रमाणित है कि फोन करके बताया जा रहा है। और उसका आंसर कि जब बच्चे ने फोटो खींचा उसका प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने चेक किया कब खींचा गया, उसके गैलरी मौजूद है, मोबाइल भी हम लोगों के पास मौजूद है। खींचने के बाद वो सुबह 7 बजे, सुबह 4 बजे और एक रात पहले भी कई प्रमाण हम लोग के पास वो बाहर आ गए। तो सोचिए अगर 20-25 क्वेश्चन का ही आंसर जो आंसर लिखा हुआ है अगर वो बाहर है तो क्या ये कोइंसिडेंस है क्या? ये सीधा सीधा मतलब है कि एजेंसी पहले पेपर ही बाहर कर चुकी है, परीक्षा एजेंसी पहले ही पेपर बाहर कर चुकी है, अपने लोगों से उन्होंने डील कर लिया है। और यही आरोप तो पिछले बार भी लगा था। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने परीक्षा में चोरी कराने का यह नया तरीका ईजाद किया है। बाबूलाल ने कहा कि कई अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात कर इस साजिश के बारे में अवगत कराया और ये कतई निराधार नहीं है। मरांडी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, छात्रों को आशंका है कि नौकरी बेचने वाली हेमंत सरकार ने पहले से ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सीटों का सौदा कर लिया है और अपने चहेतों को संबंधित प्रश्नों के उत्तर रटवा दिए हैं। जब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास प्रश्न तैयार करने का समय नहीं था तो फिर हड़बड़ी में परीक्षा कराकर छात्रों का भविष्य क्यों बर्बाद किया। मरांडी ने एक्स पर लिखा, जनवरी में हुई जेएसएससी परीक्षा के पेपर लीक के बाद पहले से ही प्रश्न सेट कर परीक्षा में चोरी कराने का यह तरीका खतरनाक है। सीट बेचने की साजिश बार बार बेनकाब होने के बावजूद हेमंत सरकार द्वारा युवाओं को धोखा देने की मानसिकता खतरनाक है। सरकार युवाओं की मांग का संज्ञान लेकर अविलंब परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराए। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर युवाओं के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाया। युवाओं के आरोपों से यह बात साबित हो रही है धीरे धीरे करके कि इस परीक्षा में गड़बड़ी तो थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना सीना ठोक करके दावा किया था कि परीक्षाएं फ्री है, फेयर है, मुझे लगता है कि उन दावों में दम नहीं था। आपने आसाम का कॉपी करते हुए इंटरनेट तो बंद कराया, लेकिन नियत जो है वो नियत आपके युवाओं के लिए, झारखंडियों के लिए साफ नहीं हो पाया। यही कारण है कि आपके चाहने के बाद भी, अगर सही में आपने चाहा तो आपके चाहने के बाद भी अगर आपका सिस्टम आपके इच्छा की प्रतिपूर्ति नहीं करता है, आपके आंखों के नीचे आपके सरकार में अगर गड़बड़ियां करता है, तो मेरा ये आपसे आग्रह होगा, एक मुख्यमंत्री के रूप में अविलंब
छात्रों के हित में आप जो है सीजीएल जेएससी के उन पदाधिकारियों को जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया है उनको बुला करके इमीडिएट इसका दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। और अगर आप और आपकी सरकार युवाओं के इस जो आपने या आपके जेएससी ने किया है उसमें आकर आपकी सहभागिता नहीं है तो इमीडिएट आप कोई कड़ा एक्शन लीजिए ऐसे पदाधिकारियों का। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की 3 पाली में परीक्षा ली गई थी। परीक्षा वाले दिन करीब 8 घंटे तक इंटरनेट भी बंद किया गया था। परीक्षा में 6,39,900 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3,04,769 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा 823 केंद्रों पर ली गई थी। जेएसएससी सीजीएल की इस परीक्षा की प्रक्रिया 9 साल से चल रही है। जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा के लिए 4 बार आवेदन मंगाए, 7 बार परीक्षा की तारीखें तय की और टाल दी। 8वीं बार परीक्षा शुरू हुई तो पेपर लीक हो गया। 9वीं बार जेएसएससी ने अगस्त 2024 के तीसरे हफ्ते में परीक्षा लेने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन वो इसका पालन करने में फिर फेल हो गया। इसके बाद 10वीं बार तारीख तय हुई और 21-22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान पेपर लीक पर रोक के लिए उपाय के तौर पर सरकार ने राज्य में परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद करा दी थी। अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग 9 साल बाद संपन्न हुई इस परीक्षा को अपनी उपलब्धि बता रहा है और 10 दिन में रिजल्ट घोषित करने का दावा भी किया जा रहा है। नया शादी है, हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को JMM सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in